हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुभाष। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल हम लोगों ने निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, क्लियरली जो हमारा व्यू था वो बुलिश की तरफ था। मार्केट में इशू कहाँ पे हुआ, जब मैं आपको बार बार बताता हूँ, मार्केट अगर गैप अप और गैप डाउन खुलता है तो आपका क्वांटिटी साइज कम हो जाना चाहिए, और सेकंड पॉइंट उसको प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा। ये जितने मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उन लोगों को याद होगा। आज अगर हम लोग देखेंगे, मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, लेट्स से यहाँ पे किसी का पोजीशन ऑलरेडी अगर ओवरनाइट को भी रखा होगा, मार्केट खुलते ही साथ उसको पॉजिटिव दिखा होगा, उसके बाद ये कंटिन्यूअसली ऊपर चला गया, तो इन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कहीं पे टाइम नहीं मिला है। जितना व्यू था 21,700-21,800 के ऊपर ऑलमोस्ट 22,050, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का मोमेंटम 30 मिनट में कर चुका है, पहले 15 मिनट में 200 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका था। तो जितने लोग बाय करके बुलिश व्यू रखे होंगे उन लोगों के लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा। उसके बाद ये नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ये साइडवेज चला गया, साइडवेज कौन से लेवल पे गया ये इंपॉर्टेंट है, ये 22,000 के आसपास ये साइड चला गया। इसका मतलब 22,000 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर सेकंड हाफ में थोड़ा सा सेलिंग आया, लेकिन सेलिंग के लिए हमारा व्यू नहीं था, हम लोग सेल नहीं करेंगे करके सोचे थे, हम लोग साइडवेज या फिर अप ट्रेंड। उसके बाद देखिए एक फॉल आया, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर गया। अभी इंपॉर्टेंट ये है, बाइंग 22,000 के ऊपर आपका होना चाहिए, इसके नीचे शार्प सेलिंग मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन साइडवेज रह सकता है। तो अप टू 22,000 आपका व्यू होना चाहिए, इसके ऊपर बुलिश और उसके नीचे थोड़ा साइडवेज होना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब ये गैप क्रिएट करता है, जस्ट इमेजिन यहां पे गैप क्रिएट किया था समय अराउंड इसी लेवल पे मार्केट आया, फिर रेस्पेक्ट करके ऊपर चला गया। जब ये फिर नीचे आएंगे समय अराउंड ये लेवल पे 21,700-21,800, ये सब सपोर्ट की तरह काम करने वाले हैं, इसके लिए साइडवेज 22,000 के ऊपर आपका बाइंग का व्यू होना चाहिए। आई होप जितने लोगों को ये लॉजिक समझ में आ रहा है, गैप अप होने से, गैप डाउन होने से ऑलरेडी ओवरनाइट एक प्रॉफिट चला जाता है आप लोगों के हाथ से, ये टाइम पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है, नहीं तो फिर आप एक बड़ा लॉस भी कर सकते हो। निफ्टी एक इंटरेस्टिंग स्टेज में है, 11,300 लेवल आप लोग ध्यान से रखना, क्योंकि ये लेवल हॉल्ट किया, फिर यहाँ पे हॉल्ट किया, फिर एक ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद इसी लेवल पे ये रिजेक्शन हुआ है, करेक्ट। तो 11,300 के ऊपर आपका बाइंग का प्लान होना चाहिए, उसके नीचे आपका साइडवेज मिलेगा, क्योंकि जैसे बैंक निफ्टी आके गैप फिल करने के बाद हॉल्ट किया, ये गैप फिल करने के बाद फिर से हॉल्ट कर सकता है, तो 11,200-240 ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट के पास एक ज्यादा बड़ा स्पेस नहीं बचा है नीचे आने के लिए, लेकिन 11,300 के ऊपर एक बाइंग हैपनिंग हो सकता है। आप अगर देखोगे ये हॉल्ट करके निकला था तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, लेकिन अगर ये ऊपर क्रॉस करता है तो 11,300 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। देखिए मार्केट को अगर बड़ा मोमेंटम करना है एक या दो दिन के अंदर करना पड़ेगा, अगर नहीं करता है फिर ये नेक्स्ट वीक तक चला जाएगा। तो हम लोग देखेंगे 11,300 के ऊपर एक बाइंग हो सकती है, उसके नीचे मैं साइडवेज रखूंगा, क्योंकि ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो चलिए हम लोग अभी स्टॉक देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम हो सकता है। पहला स्टॉक है बंधन बैंक, 300 के नीचे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, लेकिन इसको 300 टच होने दीजिए। 300 अगर एक बार टच होता है तो कहीं पे एक सपोर्ट एरिया नहीं है, सपोर्ट बहुत नीचे है समय अराउंड 280 के आसपास है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम हो सकता है, इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहो। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस, रिलायंस एक इंटरेस्टिंग जगह पे है, कंट्रीज मोमेंटम किया, यहाँ पे हॉल्ट किया, फिर नीचे आया। देखिए एक पॉइंट में बहुत सारे वीडियो में आपको बार बार बताता हूँ, मार्केट अगर मोमेंटम के साथ ऊपर गया और फ्रेश हाई बनाया, बहुत सारे लोग उसको एग्रेसिव सेल कर देते हैं एक बड़ा कैंडल देखने के बाद, लेकिन मैंने आपको बार बार बताया है कि नहीं, अगर करंट एक हाई बना है, एक ट्रेंडिंग में हाई बना है, एक मोमेंटम में हाई बना है, ये जब भी नीचे आएगा, यहां पे जितने लोग मिस किए होंगे बाय करने के लिए, उन लोग यहां पे सपोर्ट देखने के बाद बाय करेंगे। जनरली ये होता क्या है, पहले रिटेस्ट करता है, ये हाई रिटेस्ट किया, इसके बाद ये फिर हॉल्ट करके ये नेगेटिव बनने का कोशिश कर रहा है। अगर ये 21,115 के नीचे आता है, नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट बहुत दूर है, क्योंकि यहां से बाइंग होना स्टार्ट हुआ था ये पॉइंट से, तो डेफिनेटली बहुत दूर है, तो यहां पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन ये कब होगा, जब 21,110 के नीचे अगर आना स्टार्ट हो जाएगा तो एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है, अगर ये हॉल्ट करके ऊपर निकलता है तो ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो एक बहुत अच्छे जगह पे मार्केट है, आप इसको अगर ट्रेड करना चाहोगे 21,110 के नीचे ही प्लान करना, क्योंकि सपोर्ट बहुत दूर है। अगर लेट्स से निफ्टी का नीचे आता है तो रिलायंस कैन बी द रीजन, ये नीचे आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है इंफ्राटेल, 200 का राउंड लेवल भी यहां पे है, अगर आप इसका मोमेंटम देखोगे, ये नीचे आया, फिर से सेलिंग हुई, फिर ये ऊपर गया, फिर सेलिंग तो हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे हॉल्ट कर चुका है 190 के आसपास। इसके बाद ये टाइम स्पेंड किया, करने के बाद यहां पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है, और जो ट्रेंड लाइन है वो भी ब्रेक कर चुका है, तो यहां पे मोमेंटम हो सकता है
200 अगर लेवल क्रॉस होता है तो और एक मोमेंटम हो सकता है, तो इसको भी कल हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाइटन। टाइटन में आपको बहुत सारे लर्निंग पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे, प्राइस एक्शन प्लस चैनल ब्रेकआउट भी हुआ है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक चैनल बना हुआ था, जैसे मैं आप लोगों को ब्रेकआउट के ऊपर एक वीडियो बना के दिया था, सिमिलर यहाँ पे एक चैनल बना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट लिया। सपोर्ट कौन से जगह पे लिया? जो प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था, रेजिस्टेंस विल बिकेम सपोर्ट ये ब्रेकआउट देने के बाद। इसके बाद यहाँ पे जो हाई लगाया था समवेयर अराउंड 1080, यहाँ पे ये हॉल्ट किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक कंटिन्यूस एक और एक ब्रेकआउट दिया है, जो मार्केट अभी प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। 1107 है, राउंड लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, 1100 के ऊपर क्लोज हुआ है। यहाँ पे एक मोमेंटम हो सकता है जो आपको 10-15 रुपए मिल सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी एक जगह पे है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर से ये हॉल्ट करके यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया है, ये फिर एक कंटिन्यू कर सकता है, तो इसको भी कल हम लोग देख सकते हैं। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे ट्रेड करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।